चार में दिन हो गया था, पानी भी देना मासा मासा था तो पानी कोई नहीं दे रहे। आज हो गया 4 महीना पानी कोई नहीं देना, इतना आसान ऐसा पंप लगाना, पंप पर आने का करो फिर बाल बच्चे का पीना है ना, महकमे वाले आमने का मुड़ी जाने क्या करो फिर आमने देखने का मुड़ी जाने। कितने दिनों बाद आऊंगा? 4 में दिन अपना दुए दिन त्रीय दिन दिया ना सब पानी है, धार धार आनी है फिर पानी देना ही नहीं। दो इंची नहीं है पैपन तो पानी का दे सुन गए दुआ है कि जब यहाँ प्रोग्राम हुआ कमिश्नर का तो वहाँ मेरा यही बोलना था कि पानी की बहुत बड़ी दुश्वारी है वार्ड नंबर 2 में, जो किसी बार भी आपने देखा कि हमने ऊपर से डग मेरे साथ मीडिया वाले भी थे, मैं ऊपर गया था बोरवेल पे तो वहाँ से भी पानी की पैपें बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं हुई, तो एक पिछले 6 महीने से यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ, इनका जनरल मसला है, इनकी जनरल डिमांड है, ये बड़ी खस्ता हालत है यहाँ पे पानी की, और मेरी PHE विभाग से मेरी बात हुई लेकिन उन्होंने कोई भी मेरी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी, मजबूर होके हमें रोड पे आना पड़ा और मेरे लोगों को ये तकलीफ है, ये तकलीफ का उजाला करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कोई तहसीलदार साहब या PHE का डिपार्टमेंट आएगा हमारे साथ बात करेगा ऊपर वाली पैपों का क्या मामला है, क्यों इतना डेल हुई है, क्या मामला है, क्या मसला है, तो मैं इस पर ही आपका मैं आपके हवाले में पाइपें भी नहीं लगी है फिर पानी क्यों नहीं है? पानी पाइपें नहीं लगी है लेकिन जो ऊपर से बोरवेल से ये महकमा मुंग रोड महकमा जो है PWD है, इस PWD की वजह से जो ये रोड बन रही है इसकी वजह से खस्ता हालत है, और जो PHE डिपार्टमेंट है उसने जो पैपें जो 2 इंच पैपें लगाई है उसको जल्द से जल्द और ठीक किया, आज ठीक करने का हमने कहा था, आज तक वो ठीक नहीं हुई, जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक हमारा होगा ठीक। हडल साहब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो सरकार कहाँ है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, जो बेटियों के सम्मान की बात करती है, कहाँ है जल जीवन मिशन, कहाँ है इनकी अमृत स्कीम है, यहाँ ये लोग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए जूझ रहे हैं, आज ये हमारी माएँ बहनें सड़क में बैठी हैं और ये कोई फार फ्लांग एरिया की बात नहीं है, ये सिटी की बात है, कहाँ पे है अभी तक एक्सीडेंट के जल शक्ति के वो आके यहाँ सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते, ये लोग सिर्फ स्टेटस इंजॉय करते हैं और इन लोगों के पानी की तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं देते। हमारी सरकार से और DC साहब से यही गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इनका पानी का मसला सॉर्ट आउट किया जाए, अदरवाइज नहीं तो हम यहाँ धरना दे के बैठेंगे, फिर बाद में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी उसके रिस्पॉन्सिबल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी।